दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और करंट अफेयर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है संडे और संडे को हम लोग कवर करते हैं दोस्तों वीकली करंट अफेयर। जी हाँ दोस्तों, वीकली करंट अफेयर में हर हफ्ते में सोमवार से लेकर के शनिवार के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं के बारे में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लेकर चल रहे हैं 20 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न जो आपको पढ़ा दिए गए। ठीक है, अच्छा इस वीकली करंट अफेयर से दोस्तों आप सभी को एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी चीजें आप पिछले वन वीक में पढ़े होते हैं वो एक बार फिर से रिकॉल हो जाती हैं और रिकॉल होने से आपकी तैयारी और भी अच्छी हो पाती। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया जहां विजिट करके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप इत्मीनान से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और आराम से पढ़ाई करिए। ठीक है, इसके अलावा आपको टेस्ट देने का भी एक मौका मिलता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया गया है जहां विजिट करके आप टेस्ट दे सकते हैं ताकि आपको यह पता चल जाए कि रियल में आपको कितनी चीजें याद हुई हैं। एक बात और याद रखिएगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, यानी वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी है, तो आप उन वेबसाइट और एप्लीकेशन के माध्यम से आप भरपूर तैयारी कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब अब हमारे लिए एक छोटा प्लेटफॉर्म हो चुका है, क्योंकि यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो देने का ही मौका मिल पाएगा, लेकिन यहां पर आपको टेस्ट हो गया, मटेरियल हो गया, बहुत कुछ अवेलेबल है। अगर आप आएंगे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई बड़ा ही मजेदार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने था कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य, तीन कथन दिया, आपको इत्मीनान से बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। पहला कथन दे रहा है कि विश्व की सबसे सस्ती कोरोना जो किट बनाई गई, जो डायग्नोस्टिक किट बनाई गई है, वो उसका नाम है कोरोस्योर। क्या नाम है? कोरोस्योर के नाम से किट बनाएगी, पहला कथन है। जी हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों, दुनिया में सबसे सस्ती किट बनाई गई कौन सी, उसका नाम क्या है? कोरोस्योर किट है। क्यों सस्ती है और क्यों पहली माना जा रहा है? क्योंकि ये मात्र 3 घंटे में रिजल्ट दे देता है, यानी 3 घंटे में बता देगा कि आप कोविड पॉजिटिव हैं या कोविड पॉजिटिव नहीं है। दूसरा दिख रहा है कि इसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया, और तीसरा लिख रहा है कि कोविड 19 का ये जो किट है, परीक्षण किट है, ये मात्र 3 घंटे में रिजल्ट देता है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य कथन है। तो यहां पर दिया गया तीनों कथन में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है दोस्तों? ये जो लिख रहा है ना कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया, गलत उत्तर है। याद रखे इसको हमारे भारत नहीं बनाया गया है और दाम बहुत कम है, 300 के लगभग इसकी बेस प्राइस आ रही है, और अगर आप एडिशनल प्राइस भी ऐड कर लीजिए तो 600 से ज्यादा इसका दाम नहीं है, यानी 600 650 के आसपास का दाम रखा गया है। आईआईटी दिल्ली के लोगों ने इसे मिलकर बनाया, वहां के छात्र और जो शोधकर्ता थे उन्होंने इसे डेवलप किया। ठीक है, तो कोरोस्योर किट नाम का इसका किट का नाम है, इसको आप याद रखिएगा, पूरी तरह से भारतीय किट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला लिख रहा है कोरोना महामारी के बीच ट्रेन में सुरक्षित सफर के लिए रेलवे ने कौन सा नया कोच लगाया है। ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा अच्छा लगा, जब रेलवे से संबंधित ये प्रश्न आया ना, मुझे स्पेशली पर्सनली बड़ा अच्छा लगा कि यहां रेलवे भी है जो लोगों को ध्यान दे रही है। देखिए आज भी क्या है कि बहुत सारे लोग जो किसी अन्य राज्य में थे वो जब तक अपना भरण पोषण कर पा रहे थे तब तक वहां रुके थे, लेकिन ये आने जाने का सिलसिला थम नहीं रहा। आज भी बहुत सारे प्रवासी व्यक्ति, यानी जो दूसरे राज्य में नौकरी चाकरी कर रहे थे, अब वो अपने मूल स्थान पर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में रेलवे की सेवाएं भी स्टार्ट कर दी गई, लेकिन लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए इसके लिए रेलवे थोड़ा सा और हेल्प कर रहा है। एक नया कोच जो है ये डेवलप किया गया कपूरथला में, तो इस कोच का नाम क्या है? इसका नाम है पोस्ट कोविड कोच। क्या नाम है? पोस्ट कोविड कोच नाम है दोस्तों। और इस कोच की खासियत क्या है? तो याद रखिए, जैसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जो सफर करते हैं ट्रेन में, उनको डर लगता है भाई वहां का लैट्रिन बाथरूम पता नहीं साफ होगा नहीं होगा, या वहां पे हैंडल जो है या जो कुछ भी है सोने वाला जो स्थान है वहां पर पता नहीं कैसा होगा, हो सकता है वहां हमारे आसपास कोई कोविड 19 का पॉजिटिव व्यक्ति जो हो अवेलेबल हो, जिसके संक्रमण से वहां ढेर सारे व्यक्ति क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो तमाम चीजें हैं। तो यहां पर जो पोस्ट कोविड कोच बनाएगा दोस्तों, इसमें क्या किया रेलवे ने जहां जहां पकड़ने वाले हत्थे थे, यानी ऐसे स्टैंड जहां व्यक्ति पकड़कर अपने आप को खड़ा रहता है, ठीक है, उन सभी स्टैंड पर जो है तांबे की कोटिंग कर दिया, क्योंकि तांबे की कोटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, वो फैलता नहीं है, वो जो है समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो एंटी माइक्रोबियल कहा जाता है कॉपर को, तो उसको याद रखेंगे। इसी तरह से
जो लाइटरिंग है, बाथरूम है, यहाँ तक कि जो नल वगैरह की व्यवस्था थी, जो डस्टबिन की व्यवस्था थी, अब वो पैरों से ओपन होंगे। तो तमाम ऐसी नई नई फैसिलिटियों के साथ ये पोस्ट कोविड कोच बनाया गया है। आपके इस पीडीएफ में इसके बारे में डिटेल से चीजें दी गई, आप इसे लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, पोस्ट कोविड कोच एकदम नया प्रश्न है, अपने आप में बेहतरीन है। अगले लिख रहा है कि किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत को पहला नंबरलेस कार्ड दिया। दोस्तों आपके पास भी एटीएम कार्ड होगा, एटीएम कार्ड पे 16 डिजिट का एक नंबर भी पड़ा होता है, ठीक है, पीछे आपका सीबीसी कोड भी पड़ा होता है। तो दोस्तों एक ऐसा भी कार्ड आ गया जो पूरी तरह से नंबरलेस कार्ड, इस पे कोई नंबर नहीं होगा। सर नंबर नहीं होगा तो होगा क्या? उस पर होगा एक छोटा सा चिप, ठीक है, उस चिप में उस कार्ड से संबंधित डेटा होगा और उसका नाम है फॉर्म पे। क्या नाम है? फॉर्म पे। जैसे आपने फोन पे का नाम सुना होगा, इसका नाम है फॉर्म पे, ठीक है। तो फॉर्म पे दोस्तों जो है ये एक कार्ड विकसित किया है और वो जो है पूरी तरह से नंबरलेस कार्ड है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है, गूगल ने भारत की किस कंपनी में 33,737 करोड़ रुपए जो है निवेश करने का ऐलान किया है। तो गूगल के जो इस समय सीईओ हैं सुंदर पिचई जी हैं, आप जान रहे होंगे दोस्तों गूगल ने हाल ही में जो है घोषणा किया था कि वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाला है भारत में जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उस क्षेत्र में, ठीक है। तो अभी देखिए गूगल ने भारत की में जो जियो कंपनी है, जो जियो प्लेटफॉर्म है, उसमें अपना निवेश कर रहा है। बीते हुए 12 जुलाई को ही अभी जो है फेसबुक ने अपना कुछ पैसा लगाया था, अब जाकर के गूगल जो है इसमें आ रहा है आगे, ठीक है। तो जियो वेंचर्स प्लेटफॉर्म जो उसमें 7.7% की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का टारगेट है गूगल का, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो चट्टोग्राम बंदरगाह जो दोस्तों है बंदरगाह है कहां पर, जल्दी से बताइए, बांग्लादेश में स्थित है। ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश में स्थित है। नहीं, ये गलत हो गया, धर्मेंद्र प्रधान वो पेट्रोलियम मंत्री हैं, पेट्रोलियम मंत्री का कोई संबंध नहीं है, तो याद रखिएगा। ये थे शिपिंग मंत्री थे और कोलकाता पोर्ट से आगे अगर तला से होते हुए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये चट्टोग्राम बंदरगाह ये बांग्लादेश में है और वहां पर जो है इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये परीक्षण कंटेनर एक लेके जाना था, ठीक है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो हर वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहां पर है? वो नीदरलैंड की राजधानी द हेग में है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 जो आया है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग रिस्क में भारत का स्थान हो गया तीसरा स्थान। कौन सा है तीसरा? पहला चीन का है, दूसरा अमेरिका का स्थान और तीसरा जो है स्थान वो भारत का है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वही लिख रहा है कि चीन अमेरिका के बाद भारत का स्थान क्या है? तीसरा स्थान है। भारत ने विदेश में इमरजेंसी आयल रिजर्व बनाने के लिए किस देश के साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो याद रखिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया अमेरिका में। दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल से बताना चाहता हूं। दोस्तों अभी तक क्या था ना कि आपको पता है कि भारत जो है, अब अच्छा आपके भी माइंड में होगा इतना बड़ा हमारे भारत का क्षेत्रफल, भारत कहीं भी अपने यहां जो है ऑयल रिजर्व करने के लिए बना लेता स्थान, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। जो लोग उंगली उठाना जानते हैं मैं उनको बता दूं, ऑयल रिजर्व करना दोस्तों इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सोचिए ऑयल रिजर्व करने की कुछ क्राइटेरिया होता है, वहां की जमीनें कैसी हैं, वहां पर व्यवस्थाएं कैसी है, तो इतना आसान नहीं है भारत के लिए काम कर पाना, ठीक है। और वैसे भी अगर हम ऑयल रिजर्व की बात करें तो बड़े बड़े देशों से हमारी अगर तुलना की जाए तो हम बहुत पीछे हैं, मतलब समझ लीजिए कोरिया जैसे देशों से हम पीछे हैं, आप समझ लीजिए कि कितनी जो है बड़ी बात है। इसलिए भारत क्या कर रहा है, अमेरिका में अपने ऑयल रिजर्व रख रहा है, यानी वो परचेज करके अमेरिका में रखा रहेगा और फिर जब उसको जरूरत पड़ेगा तो वहां से अपना ऑयल क्या कर लेगा, मंगा लेगा, क्योंकि वहां पर रिजर्व करने की व्यवस्था है इसके पास, ठीक है। तो इसके लिए भारत जो है अमेरिका के साथ डील किया हुआ है, तो भारत इधर बीच अमेरिका के साथ बहुत सारी डीलिंग किया हुआ है। अगर मैं आपको एक डेटा दूं, जो डेटा यहां पर दिया जा रहा है, तो आप जरा याद रखिए, यहां पर तो नहीं है ये डेटा, यहां पर देखिए कि भारत देखा जाए तो केवल 39 मिलियन बैरल, कितना, एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल आता है, ठीक है। तो केवल 39 मिलियन बैरल ही भारत के पास कैपेसिटी है, और अगर हम बड़े देशों की बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, तो अमेरिका के पास 730 मिलियन बैरल, वहीं अगर हम चीन के पास देख लें 550 मिलियन बैरल, अगर हम जापान के पास देखें 528 मिलियन बैरल, अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो उसके पास भी 214 मिलियन बैरल का जो है स्टोरेज कैपेसिटी, और हमारे पास केवल 39। इसलिए दोस्तों भारत क्या कर रहा है, अमेरिका में ये ऑयल रिजर्व करने जा रहे थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं,
कंपनी है, ठीक है। आगे देखिए, अमेरिका के पास किस देश ने चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआई पर बैन लगा दिया। दोस्तों अभी तक क्या था कि सबसे सस्ता 5G टेक्नोलॉजी अगर कोई दे रहा था वो दे रहा था हुआई कंपनी, लेकिन हुआई कंपनी अभी हाल ही में डेटा चोरी का एक आरोप लगाया गया इस पे। क्यों? क्योंकि यूजर का जो डेटा है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा। तो इसलिए दोस्तों अमेरिका ने पहले इसको बैन लगा दिया था, अब जाकर के ब्रिटेन ने भी इसको बैन लगा दिया। तो बोरिस जॉनसन वहां के प्रधानमंत्री, उनके द्वारा बैन लगाया गया। तो आप याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके जो है, उसके द्वारा यानी ब्रिटेन के द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया, ठीक है। एक और मामला आया था दोस्तों, हांगकांग को पूरी तरह से ऑटोनॉमस करने की बात थी 1998 में, लेकिन चीन वहां पर अपना सुरक्षा कानून लगाकर हांगकांग को अपने नियंत्रण में कर लिया है। इस बात से भी ब्रिटेन काफी नाराज चल रहा है, ठीक है। आने वाले समय में चीन की हालत बड़ी खराब होने वाली, मैं सच में बता रहा हूं, क्योंकि बाकी सारे देश क्या करेंगे ना, अलायंस बनाकर इनको उनकी औकात दिखाएंगे। ये चीनियों की औकात ही कुछ ऐसी, बहुत बुरा लगता है। जितना नफरत मुझे और किसी देश से नहीं लगता, उससे कहीं ज्यादा नफरत इन चीनियों से लगता है, क्योंकि इनका कोई वजूद नहीं है यार, ठीक है। इनमें मानवता ही नहीं है, सबसे बड़ी चीज होती है मानवता, इनके अंदर से मानवता ही नहीं है, मानवता शर्मसार हो चुकी है। आप एक बार गूगल करके देखिए या यूट्यूब पर आइए और देखिए, शर्म आती है कि कैसे कोई चाइनीज प्रोडक्ट को यूज करता है, ठीक है। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो मैं अपने जीवन में कभी जो है इस तरह के प्रोडक्ट को ना यूज करूं, ना तो इस तरह के देश के साथ किसी तरह का संबंध स्थापित करूं, ठीक है। चलिए आगे देखें, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया, तो याद रखें इनका नाम है पी प्रवीण सिद्धार्थ, ठीक है। पी प्रवीण सिद्धार्थ जी को रामनाथ कोविंद जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस तरह के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे आते हैं, तो प्रवीण सिद्धार्थ जी आप याद रखें, नाम याद रखें, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2001 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, भारतीय राजस्व सेवा में ये अपनी सेवा दे चुके हैं, आयकर अधिकारी थे, ठीक है। तो अब इनको निजी सचिव बनाया गया है, विक्रम सिंह का स्थान लेंगे, ध्यान दीजिएगा। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रकाश संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया, बड़ा गजब बात है भाई। भारतीय मूल के व्यक्ति, इनके पूर्वज जो थे दोस्तों कहा जाता है कि बिहार के थे, ठीक है। तो एक देश है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में, देश है सूरीनाम। कौन सा देश है? सूरीनाम। आपने देखा होगा ब्राजील, जानते हैं ना ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, जहां पर रियो डी जेनेरियो अभी ओलंपिक हुआ था। उससे आप आगे बढ़ेंगे ऊपर साइड तो आपको मिलेगा देश, मिलेगा गुयाना, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, कंबोडिया, इक्वेडोर, ठीक है, ठीक है, ये सभी जो है जगह मिलेगा। तो वहां पर एक छोटा सा देश है सूरीनाम, वहां के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। वहां की 27% आबादी कही जाती है कि भारतीय हैं या भारतीय मूल के हैं, तो उनको भी आप याद रखिएगा। करण, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने ग्लोबल फोल्डेबल हॉस्पिटल बनाया, यानी एक चलता फिरता हॉस्पिटल, ग्लोबल फोल्डेबल हॉस्पिटल बनाया गया है। इसको किस जो है आईआईटी ने बनाया, तो याद रखिए आईआईटी मद्रास ने बनाया है, और केरल में जो है इसको कई जगह पर ट्रायल के रूप में काम किया जा रहा है। तो एक फोल्डेबल हॉस्पिटल है कि कहीं भी गया फटाफट लगाया और वहीं पर कैंपेन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो याद रखिए अब COVID-19 के इलाज में यह काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। आगे देखिए, आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का निधन 16 जुलाई को COVID-19 की वजह से हो गया। ये किस पीठ के स्वामी थे, किस पीठ के आचार्य थे? तो गुजरात से संबंधित एक पीठ है दोस्तों, स्वामी नारायण पीठ वहां पर, ठीक है, उसके आचार्य थे और COVID-19 की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये अपनी श्रृंखला के 5वें नंबर के गुरु थे, याद रखिएगा 5वें उत्तराधिकारी थे, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वामी नारायण संस्था का नाम आप सभी ने सुना होगा, उसके 5वें वारिस थे, COVID-19 की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, एक बार आराम से ध्यान लेकर स्वामी नारायण जी की आत्मा को शांति मिले ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। करें, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। वैसे नेल्सन मंडेला ये अफ्रीकी व्यक्ति थे और जो है काले और गोरे की लड़ाई के बीच में इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, ठीक है। तो इनको जाना जाता है भारत में भी, ठीक है, नेल्सन मंडेला, ठीक है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, शांति का नोबेल पुरस्कार। तो इनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला दिवस, ठीक है। करा, इस वर्ष गिनियन डॉक्टर मोरिसाना कायट और ग्रीस मारियाना को, ठीक है, क्या मिला है? 2020 का मंडेला पुरस्कार दिया गया, दोनों बिल्कुल सही है। देखिए, नेल्सन मंडेला पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो मानवता के लिए काम करता हो, और ये दोनों ही लोग मानवता के लिए काम करते हैं। इसमें से अगर हम मारियाना वार्डिनास की बात करें तो एक कैंसर से पीड़ित बच्चों की मदद के लिए काम कर रही थी, और डॉक्टर मोरिसाना कायट की बात करें तो ये भी जो है लोगों की मदद करने के लिए काम कर रही थी, ठीक है। तो ये दोनों अपने आप में क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखेगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप इत्मीनान से इस पीडीएफ को देख करके कुछ चीजें और एक्स्ट्रा रीड कर सकते हैं। कुछ लोगों को अगर ये लगेगा कि मैं पूरी लाइन बाय लाइन क्यों नहीं पढ़ता हूं, तो उसके पीछे एक रीजन है कि आप वीकली करंट अफेयर टच कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि सब चीज के बारे में आपको एज इट इज पता रहे, ताकि आप लोगों से बातचीत के दौरान बता सके कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि जब आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाया जाता है उस समय आपको चीजें बड़े ही डिटेल में दी जाती है। आगे लिखता है कि इस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता की। तो याद रखिए G20 की इस बार जो समिट हुई थी सऊदी अरबिया में, तो उसने ही इस समिट की भी अध्यक्षता की। वर्चुअल मीटिंग हुआ था, इसमें हमारी जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री, वो भी हिस्सा ली हुई है। ठीक है, तो उसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वर्चुअल समिट हुआ, ज्यादातर समिट वर्चुअल ही हो रहे हैं इस समय। करें हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का जो है फैसला किया है, तो उत्तराखंड राज्य ने यह फैसला किया है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य एक पहाड़ी राज्य है जहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं, तो इसका मानना है कि अगर कचरे से बिजली बनाया जाए तो यह काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो याद रखेगा अब यह कचरे से बिजली बनाने के लिए उत्तराखंड जो है यह प्रयास करने जा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? तो देखिए, देश का पहला राज्य बन जाएगा कौन प्राकृतिक तरीके से खेती करेगा, पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक तरीके से खेती होगी, और ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश जो है वो पहला राज्य बनने वाला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिए अभी भी ये 3,226 पंचायतों में से 1,945 पंचायतों में प्राकृतिक खेती स्टार्ट कर दिया गया है, बाकी में बहुत जल्द प्राकृतिक खेती करने का काम चलाया जाएगा। ठीक है, हाल ही में लालजी टंडन जी का निधन हो गया। ये कौन थे दोस्तों, तो याद रखेगा ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, बहुत समय से इनकी तबीयत भी खराब चल रही थी। इनके जगह पर इनको लीव देकर के आनंदीबेन पटेल जो थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, उनको जो है एक्स्ट्रा अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया था मध्य प्रदेश का, तो उसको भी याद रखेगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल चुके थे लालजी टंडन जी, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है, किसको याद रखेगा। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मार्ग को इंग्लिश में बोला जाता है पासेक्स, तो जरूरी नहीं आपसे एग्जाम में मार्ग अभ्यास ही दे, आपसे इंग्लिश में पासेक्स भी पूछ सकता है। तो याद रखिए पासेक्स अभ्यास जो है यह भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है। ठीक है, भारत और अमेरिका की जो नेवी है, जो नौसेना है, उसके बीच में हो रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा नेवी जो बेड़ा है वो जो है दक्षिण चीन सागर होते हुए भारत की तरफ आया है, और यह जो है अभ्यास के साथ हो कर रहा है पासेक्स। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि चील की दखन आजादी दक्षिण चीन सागर में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसके लिए अमेरिका एकदम अलर्ट है। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि अमेरिका एकदम चिढ़सा गया चीन के ऊपर, एकदम चिढ़ गया। उधर देखो उसने फैसला कर लिया कि मैं WHO से अलग हो रहा हूं, और चीन की वाई कंपनी पर बैन लगा दिया, चीन के सारे प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया, चीन का दूतावास जो था उसको बोल दिया कि भैया आप तुम बंद करो, यहां से चले जाओ। ठीक है, तो तमाम जो है प्रतिबंध लगा रहा है अमेरिका। ठीक है, तो याद रखेगा पहला अरब देश या पहला मुस्लिम देश जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, याद रखेगा उसका नाम है UAE। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, UAE संयुक्त अरब अमीरात पहला देश है जिसने जो है ये मिशन लॉन्च किया। ठीक है, चलिए फार्मा 26AS, पहले दोस्तों फार्मा 26S आता था, ठीक है अभी AS हो चुका है, और ये दस्तावेज जो संबंधित है यह प्रत्यक्ष कर बोर्ड से संबंधित है। इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हैं तो आप अब 26AS के माध्यम से फाइल कर सकते हैं। अभी तक तो इसका लास्ट डेट जो था दोस्तों वो 31 जुलाई तक था, लेकिन फिर से इस डेट को बढ़ा करके 30 नवंबर कर लिया गया है। ठीक है, तो 30 नवंबर तक आप अपनी पिछली सारी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आपने फाइल नहीं किया तो आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एक नए मेथड के तहत करें किस वैश्विक संगठन ने भारत में युवा इंडिया नामक एक गठबंधन शुरू किया। युवा इंडिया में होगा क्या दोस्तों, युवाओं को मोटिवेट किया जाएगा खेल के प्रति और भी चीजों के प्रति। ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया गया यूनिसेफ के द्वारा। किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, खेल मंत्रालय और युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने देश में युवा स्वयंसेवकों को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है, और आत्मनिर्भर भारत अभियान लक्ष्य को पाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। पैरा एथलीट थे रमेश टीकाराम, इनका 16 जुलाई को निधन हो गया है COVID-19 की वजह से। इनको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था, तो याद रखिए अर्जुन पुरस्कार भी जीता थे। ठीक है, जेवलिन थ्रो में, तो याद रखेगा इनका निधन हो गया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है।
भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग जो है, अच्छा दोस्तों ये मिसाइल नाग जो है दोस्तों ये बड़ी गजब की मिसाइल है। अगर इसमें एक बार सेट कर दिया कि भाई इस चीज को मारना है तो चीज चाहे जहां भी चली जाए ढूंढ के मारेगा, ठीक है, ऐसी गजब की मिसाइल है। ठीक है, तो याद रखेगा ये गाइडेड मिसाइल नाग है और इसका जो परीक्षण किया गया है कहां पर हुआ इसका परीक्षण, तो क्या नाम है यार, उड़ीसा के पास में, देखो नाम नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छा नाम है, अरे पारादीप के बगल में पड़ता है, ठीक है, उड़ीसा के पास में वहां पर इसका टेस्टिंग किया गया है। इसका नाम क्या है, ध्रुवास्त्र। नाम क्या है, ध्रुवास्त्र। एक बार इसका नाम देख लीजिए, मैंने क्या बताया, हाँ उड़ीसा के बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर में इसका टेस्टिंग किया गया, 12 दिन तक टेस्टिंग चला इसका, ठीक है, ध्रुवास्त्र इसका नाम है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार दिया गया, तो गुलबेंकियन पुरस्कार दिया गया ग्रेटा थनबर्ग को। ठीक है, बड़ी छोटी उम्र की ये बच्ची है लेकिन पर्यावरण के लिए इसने बहुत सारे काम किए काफी दिनों से, पिछले एक साल से लड़की लगातार, ये बच्ची लगातार चर्चा में बनी हुई है। ठीक है, तो ग्रेटा थनबर्ग इनका नाम है, याद रखेगा, इनको मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेगा। कह रहा है कोरोना के बीच भारत ने रेल मार्ग के जरिए हाल ही में किस देश को 9000 टन से ज्यादा मसाले का निर्यात किया, तो 9000 टन मसाला जो भारत भेजा है बांग्लादेश को। ठीक है, और बांग्लादेश किसका साथ दे रहा है, चीन का, 97% की कटौती चीन ने दिया है वहां से सामान जाने आने पर। ठीक है, तो याद रखे भारत ने ये मसाला भेजा है। चलिए आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने COVID-19 से बचाव के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग न करने की गाइडलाइन जारी किया है, तो याद रखे केंद्र सरकार ने भी जारी किया और WHO ने भी कहा। ठीक है, और इसमें कहा गया कि N95 का जो मास्क जो अभी तक काफी चर्चा में था और लोगों के बीच में ट्रेंड सा बन गया था कि भाई हम N95 लगाएंगे। ठीक है, N95 में एक डिब्बी होती थी, एक छिद्र होता था, उसको लगाने के लिए मनाही हो गया, तो लिख रहा है कि वाल्व लगे हुए N95 जो मास्क है उसको बंद करने का आदेश आ गया, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो उसके यहां तक बाहरी चीजें तो नहीं आ सकती लेकिन उसका जो हवा है उसके मुख से छोड़ा गया हवा उस वाल्व के जरिए बाहर चला जाएगा, यह एक नुकसानदायक होगा, तो इसके लिए इस पर रोक लगाया गया। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आगे देखिए, हाल ही में चर्चित मधुबनी कला से संबंधित तथ्यों के बारे में बताना आपको। मधुबनी पेंटिंग दोस्तों, ये बिहार से संबंधित पेंटिंग है, बहुत फेमस चित्रकारी है। ठीक है, इसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ते हैं इसके बारे में, लिख रहा है बिहार के मिथिलांचल, उस इलाके का नाम ही मिथिलांचल। मिथिला नरेश किसे कहा जाता है, सीताजी के पिताजी जनक, राजा जनक को, जनक। ठीक है, तो याद रखेगा मिथिलांचल, लिख रहा मिथिलांचल इलाके में मधुबनी दरभंगा और नेपाल से सटे हुए कुछ इलाकों में यह कला शैली फेमस है। मधुबनी कला जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, COVID-19 महामारी के मद्देनजर बिहार के विख्यात मधुबनी कलाकार रेमंत कुमार नाम है। ठीक है, रेमंत कुमार मिश्रा जी ने मास्क, एक था दोस्तों मास्क जो हाथ से बना हुआ मास्क था, उस पर मिथिला पेंटिंग बनाया इस तरह का, और ये पेंटिंग वाला जो मास्क है ये बड़ा अच्छा ट्रेंड में आ गया, बहुत ट्रेंड में आ गया। ठीक है, तो हम लोगों की इधर तो नहीं मिला लेकिन मिथिला पेंटिंग का मास्क जो है आपको जो है बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट जो है उस पर भी मिल जाएगा। तो यहां पर तीनों कथन दिया हुआ बिल्कुल सही, और उनको मास्क मैन की उपाधि दे दिया गया। ठीक है, इतना ट्रेंडिंग बन गया विषय कि उनको मास्क मैन के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, रेमंत कुमार मिश्र जी को। इसमें और भी महिलाएं हैं, ठीक है, जैसे भारती दयाल हैं, बूला देवी हैं, सीता देवी हैं, तो ये लोग भी हैं। ठीक है, जो अच्छी खासी मिथिला पेंटिंग करती हैं। 75वीं संयुक्त राष्ट्र सभा, राष्ट्र महासभा अपने इतिहास में पहली बार वर्चुअली आयोजित की गई। ठीक है, इसको कैंसिल नहीं किया गया, इसका वर्चुअली आयोजन किया गया। पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि इसका वर्चुअली आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अभी हुआ नहीं, होने वाला है 15 सितंबर को, निर्णय लिया गया है 15 सितंबर 2020 को इसका वर्चुअल आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ रहा है। ठीक है, कर हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार लोनार झील जो बुलढाणा के पास में पड़ता है, लोनार झील, ठीक है, भारत में महाराष्ट्र में, अभी उसका पानी आपने सुना होगा गुलाबी रंग का हो गया था, थोड़ा लाल भी हो गया था, तो कहा गया भाई कि इसमें एल्गी की वजह से ऐसा हुआ था, शैवालों की वजह से। अभी उसके जीवाणुओं के बारे में एक स्पेशल बैक्टीरिया पता चला है जिसका नाम है हालोआर्चिया। क्या नाम है, हालोआर्चिया, उस बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से इसका जल क्या हो गया था, लाल हो गया था। हालोआर्चिया आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अमेरिका ने इस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दे दिया है। मैंने पहले ही बताया चीन को आदेश दिया गया, जो कि ह्यूस्टन में अपना उसका दूतावास था चीन का, उसको बंद करने का आदेश दे दिया गया है। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते, कहना पड़ता है आप सभी से। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 आपके हित में अच्छा काम कर रहा है दोस्तों, तो हाथ जोड़कर निवेदन है प्लीज वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़े, अपनी पढ़ाई लिखाई करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वेबसाइट पर आइए, चीजों को पढ़िए, सब कुछ दिया गया है, हर एक विषय को डिटेल से पढ़ाया गया है। आप आकर के स्टडी 91 से जुड़ करके आप हर एक विषय की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।